सांस्कृतिक सामाजिक न्याय इस देश में हुआ। ये सारी दुनिया जानती है कि राम अयोध्या में पैदा हुए और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्राम का जन्म अयोध्या में हुआ तो वहां पर मंदिर का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ये देश आस्थाओं के आधार पर नहीं चलता है, संविधान से चलता है और सत्य के आधार पर चलता है। तो सत्य में जयते आज चरितार्थ हुआ और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और वहां भी एक निष्पक्ष संस्था के द्वारा। और मुस्लिम पक्ष का भी सम्मान रखते हुए उनके लिए भी मस्जिद के लिए जगह दी गई, इससे सौहार्दपूर्ण और भाईचारा वाला कोई एक कोर्ट का आदेश, निर्णय या न्याय नहीं हो सकता था। और मुझे तो इसमें लगता है कि बड़ा दिल रखते हुए हिंदू भाइयों को भी मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग देना चाहिए। और क्योंकि राम मात्र हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, राम भारत के पूर्वज हैं। आज हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज अलग नहीं हो जाते, और यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आज से 500,000 साल पीछे जाएंगे तो राम हम सबके पूर्वज हैं, हम ये पाएंगे। इसलिए अपने पूर्वज को सम्मान देने के नाते मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए। ऐसा होने से भाईचारे की एक दुनिया में नई मिसाल पेश करने में भारत का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान पर हैं। कुछ अराजक तत्व, कुछ जिनके अंदर मजहब का उन्माद भरा है, ऐसे तत्व देश की शांति सद्भावना, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए भी चेष्टा कर सकते हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का भी काल है कि देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक मजहबी